नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के मिनी शिमला के बारे में। बिहार में एक ऐसा भी जिला है जिसे कि मिनी शिमला के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहाँ देश की हर बड़ी हस्तियाँ आया करती थी, लेकिन कालखंड और परिस्थितियों के अनुसार अब इसमें कई तरह के बदलाव देखे गए हैं। आगे हम जानेंगे बिहार के इस गौरवशाली अतीत को अपने में समेटे जमुई जिला के सिमुतला के बारे में। कहते हैं जब देश में अंग्रेजों का राज था, उस समय यह इलाका अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। यह इलाका हरी भरी वादियों के बीच स्थित है। यहाँ पर समय सैलानियों का तांता लगा रहता था। इस स्थान पर बंगाल के रहने वाले लोगों की करीब 300 ऐसी कोठियाँ हैं, जिस कोठियों में जो है लोग उस समय छुट्टियाँ बिताने के लिए आया करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर अपना स्वास्थ्य लाभ भी लेने के लिए लोग आते थे। आज भले ही यह कोठियाँ बिक गई हो, लेकिन पहाड़ियों के बीच में बसा यह सिमुतला अपनी प्राकृतिक छटा के लिए आज भी जाना जाता है। बिहार सरकार ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय के रूप में जो है इसे सिमुतला को जो है अब विकसित करने का एक प्लान बनाया है। आज जो है नेतरहाट का यह सिमुतला आवासीय विद्यालय एक तरह से कह लें कि मैट्रिक के टॉपरों की खान बन गया है। हो भी क्यों नहीं, अगर हम पिछले कुछ साल के अगर हम मैट्रिक टॉपरों के रिजल्ट को देखें तो उसमें सिमुतला का नाम 1-5 के बीच में रहता ही रहता है। तो चलिए आगे हम जानेंगे इसके पूरे गौरवशाली अतीत के बारे में। सिमुतला का अपना अतीत है, इसका पूरा इतिहास है। अगर हम इसके अतीत के पन्नों को पलटेंगे तो पाएंगे कि यहाँ के लोगों के बीच में कितनी सौम्यता और सुंदरता उस समय देखने को मिलती थी। हमारे जेहन में युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की तबीयत जब खराब हुई थी, तब जो है वो अपने इलाज के लिए एक बार यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद अपने प्रवास के दौरान एक बार और उनका आगमन सिमुतला में हुआ था। इस स्थान के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ की जो पानी है वो हल्दिया झरना से आता है। अब मान्यता ये भी है कि यहाँ के पानी पीने वालों को पेट समस्या यानी कि पेट से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उससे उनको राहत मिलता है। पर्यटन के लिहाज से अगर हम देखें तो सिमुतला में स्थित लॉर्डन हाउस आज भी यहाँ के लोगों के बीच में जो है आकर्षण का केंद्र है। बांग्लादेश के लाल डोंगा राजावाड़ी किले की तर्ज पर बना यह लोडंगा हाउस का निर्माण जो है उस समय के बांग्लादेश के जो राजा लाल डोंगा थे उन्होंने करवाया था। आज यह एक खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। इसके बाद भी लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। बता दें कि यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। इस किले में यानी कि लोडंगा का जो किला है, जिसको कि हम एक तरह से कह लें कि लाल डेंगा राजावाड़ी किले के नाम से जो है जाना जाता है, और यह किला जो है बांग्लादेश के राजा के द्वारा बनाया गया था और उनकी इच्छा थी कि वो सिमुतला में आकर रहें। और ये मान्यता है कि साल भर में एक बार अपनी प्रकृति की सुंदरता और एक तरह से कहने के सिमुतला का जो आबो हवा है, वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है, उसको देखने के लिए लाल डेंगा के राजा जो है यहाँ पे आते थे और उन्होंने ही यहाँ पे जो है अपना एक महल बनाया था। और एक तरह से कह लें कि यह प्रकृति के जितना करीब है उतना यह आयुर्वेद और विज्ञान को लेकर भी यह इलाका जो है वो जाना जाता है। अगर हम इस किले की बात कर ले तो यहाँ पे 52 कब्रों में 53 दरवाजे हैं। आज भी यहाँ बिहार और वेस्ट बंगाल के लोग इस ऐतिहासिक धरती को देखने के लिए आते हैं। साथ ही साथ इस स्थान पर गर्मियों के दिनों के लिए खास करके याद किया जाता है, ताकि लोग प्रकृति को अपने करीब से देख सकें। प्रकृति के पास होने का यहाँ पे आने के बाद आपको पूरा अनुभव मिलेगा। कहते हैं लाल डेंगा के राजा की मौत के बाद से यह हवेली जो है अब अस्तित्व में एक तरह से कह लें कि जाने लगा। यहाँ का अस्तित्व जो है वह खतरे में होने लगा और आज जो स्थिति है यह पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है। लेकिन आज भी लोग इसी जर्जर स्थिति को देखने के लिए लोग वहाँ पहुँचते हैं, सिमुतला की प्रकृति के बीच में अपने आप को होने का एहसास कराते हैं। हिली कैपिटल के नाम से जाना जाता है यह पूरा इलाका। सिमुतला के बांग्ला के प्रथम मूक बधिर फिल्म के निर्माता बीएन सरकार के साथ साथ उस समय के छोटी लाइन के संस्थापक रहे आरएन मुखर्जी, इसके अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्यामल सेन के साथ पहली लॉर्ड एसपी सिंह जो है वहाँ पे आए थे। उसके साथ साथ
उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके साथ साथ उस समय के जाने माने दांत के जो प्रसिद्ध डॉक्टर हैं डॉक्टर लाहा और उसके अलावा कोलकाता उच्च न्यायालय के वकील, चिकित्सा के साथ व्यापारी इस पूरे इलाके में जो है प्रकृति की सुंदरता के बीच में अपने आप को होने का एहसास पाने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। कहते हैं यहाँ अंग्रेजों के समय में लोग अपनी छुट्टियों के लिए चिकित्सा के लिहाज से यहाँ पर आते थे। अंग्रेजों के समय में ही मेडिकल कैपिटल और हिली कैपिटल के नाम से इस पूरे इलाके को जाना जाता था। आज भले ही सिमुतल्ला की स्थिति कोठियाँ झरझर हो गई हों, लेकिन इसका अतीत आज भी समृद्ध है। ऐसे में अब पर्यटक बस यह उम्मीद कर रहे हैं कि इस गौरवशाली अतीत को संरक्षित किया जा सके ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इसको जान सके। सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे कि बिहार के गौरवशाली अतीत के बारे में हम जान सके और आने वाली पीढ़ियाँ भी इसे पढ़ सके, देख सके और समझ सके। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।